जाके लंक लगा देते हैं, वो ये लंक नहीं लगाते कि हाँ तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अच्छी चीज है घूमने की तो बहुत बना देते कि बहू वहां पे घूम रही है तुम्हारी तुम्हारी सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुकी है सुबह, मैं लेके चल रही हूँ। चलो ना सॉक्स पहन पहले। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, दोनों ही बीमार हैं। और मैं भी, माँ बेटा। हाँ दक्षु को सॉक्स पहनने दे अभी। काले जूते ये दे दे। चलो अब इससे आगे कहाँ? ये भी ना, यहीं पे जो यहाँ दुकान लेने आ रही है ना उससे पीछे, उससे पीछे। चलो चलो मैं नहीं जा रही, तुम ही जाओ। दोनों जाके काट देते हैं। ना लगाओ भी आराम से। ओए आराम से, भक्के नहीं। कहाँ है? बस तो रही थी पॉकेट में। दुकान तो बंद है। हम कब मना कर रहे थे? कहाँ शक्कर डिब्बा में? खीर का तो टेस्ट ही जब आ जब उसमें शक्कर डाला है। पापा लेओगे? नहाऊंगी लेओगे? शक्कीर दूज की बेटा तेरा तो परहेज है। खावे वावे नौ बस जिलावट तो है ना। वो तो शरीर है देख तो है नहीं। हाँ यहाँ पे आवे नो खाने चले ही इतने सारे खाने ने। अपनी झूठी करके देंगे पापा। ठीक है ताकि मेरे पापा प्यार मिल जाए ऐसे ही बनो रहे। पापा मैंने झूठी कर दी, खा लोगे? खा लोगे? कौन खीर में से किशमिश वो जो भी चीज मतलब इसमें डले हुए उन्हें छोट छोट के खावे हैं। कौन खीर खीर में से चीज उन्हें छोट छोट के खाओ? मैं तो कभी भंडारे में भी जाऊँ ना तो ही नहीं छोट छोट के खाऊ मैं तो सच में। छोट के तो ना पर इनकी गेर दे खीर का परहेज है दोनों का। तेरा भी है दे दी किसको? दक्षु है पापा अड्डे पे जाओगे? काला बासा लाना। देवी राम अंकल चले गए होंगे। ये विशु तो पे लालक नंबर है, पूछिए फोन करके अंकल बता देंगे काला बासा है या ना। फिर रोएगा तुम?
मैं यू नहाती जिस दिन हम नहाते ना हो ना बहुत बुरी खांसी हो रही है दक्ष उस दिन ये घर के ऐसे पीछे पड़े रहे जैसे हम कितने महीने इनसे नो नहा रहे मेरे तो कोई ना पीछे पड़ो आप तो नहा लिए अपनी कायक सफाई हो कोई नहा सब्जी खाई है मुंह पे लगाई इतना बड़ा हो रहा है तुझे खाना खाना नहीं आता पार्थे कैसे सो रही है तू सो रहा नहीं हूँ चांद पड़ रहा है चांद पड़ रहा है चांद तो निकला भी नहीं है अरे चांद ना है सूरज है सूरज है वो ले सूरज मत पड़ने दे ले मुंह ढक ले अरे चांद पड़ रहा है काला हो जाएगा ना काला अभी मैं एक वीडियो बनाने वाली इंस्टा पे वो आप मेरी आईडी पे जरूर जाके देखना बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ अभी बनाई नहीं है हालांकि अब मैं कुछ डिसाइड कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे कोई सामान चाहिए मैं कह रही क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं तो मेरे पापा का रिप्लाई आता ऊपर टंकी पानी लिखी सो वहा दिखा भाई हमारे घर के वैसे मुझे आइडिया देते रहे कि ये कर वो कर तो मुझे उनसे आइडिया मिल ही जावे कि हाँ मुझे ऐसा करना है वैसा क्या है एक दो क्या है दोनों को पार्थ है पार्थ पीटने के काम कर रहा है भैया रामायण चल रही है रामायण ये लक्ष्मण जी और राम जी बहुत सुंदर है सच में ये सबसे पुरानी करती हूँ नहाने के लिए मैंने पैसे रखे हैं गाँव में किसने उठाए आप पे निकालना एक सिक्का तो निकालो एक सिक्का निकालो इन्हें रखो अब आप या उछालो अगर हेड आया तो नहाऊंगी अगर टेल आया तो ना नहाऊ उछालो दक्ष आवे शौक से हेड नहीं हेड आओगी तो नहीं नहाऊंगी टेल आए तो नहाऊंगी ठीक रुक जा देखा ना हेड हेड नहीं रहेंगे होंगे मेरा तो मन हो रहा नहाने का मैंने की हेड आया तो नहाऊंगी एक मिनट अब दोबारा कर दिखा दिखा यही दिखा आप खोल मत देख यू मुझे नहाने नहीं दे रहा टेल आया इसने पलट दिया अब रुक जा अभी हेड आ गया एक बात चलो सच बताना ये मैं इंस्टा पे वीडियो तो डालूंगी और वैसे डाल रही हूँ मम्मी मेरी रिंग कैसी लग रही है बढ़िया लग रही है पूछो ना आप यू कितने की आई आई हो एक दो तीन हजार की सच बताना कौन कौन घर पे आके मम्मी को चीजों के आधे प्राइस बता रहे भाई सच बताना बिल्कुल जाकर खोसे नौ रुपए खोसे ले लो हमारी मम्मी ना हम कोई भी चीज लेके आएंगे आते ही कितने की आई हूँ अगर सच बताऊँ ना चीज 1500 की है ना एग्जाम्पल 1500 की चीज है ना वहाँ हम 300 की बता मम्मी है घर जाकर मम्मी की हो चल सही है लुट कर ना आई तू लुट के यार मैं उसे विश्वास ना मैं तो कहूँ तो ना इन्हें बताओ झूठे रेट बताओ इन्हें मैं तो कोई 1 लाख मांगेगा 1 लाख दे मैं करूँ तेरे विश्वास और मैंने इन्हें कितने अब लगा लो 1500 से मैंने 300 बताए कितने कम रेट बताए तो ना चांदी इतनी महंगी हो गई 700 जा रही चांदी 700-800 पे तो दो गूठी का संबंधी दे दे सुना फिर भूखा लगे पे मेरे पीछे पड़ पड़ के आखिर में नवाई दी आज मन हो रहा है कि कोई ना आज धूप में बैठेंगे आराम से पर इनके यूं ही नहीं
नहाना रही है और वो मम्मी की आपने सुनी, और बाकी बच्चों की तो छुट्टी है ही, आपने देखा ही दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और क्या हुआ है इनको वो मैं आपको शाम को बताऊंगी, क्योंकि जो पार्थ को हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों में फैल रहा है, तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। और फिलहाल इनके ट्यूशन स्कूल का मुझे देखना है वर्क, क्योंकि मैंने सर को बोल दिया है काव्यांश नहीं आएगा, तो जब सर को ऐसे बोल दिया जाता है अगर कोई होमवर्क होता है तो वो ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाता है, और इसके ट्यूशन का होमवर्क देखना है मुझे, खाना पीना करा दो, दवाई वाई देनी है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हो चुका है शाम का टाइम और हमारी चाय भी बन चुकी है, और चाय बन के हमने पी भी ली जाए। यस मुझे पता हो बेटा तेरे पेट में दर्द है, हमारे भी तो ससुराल में मजबूरी में लगी मौसी, मेरा ऑपरेशन हुआ ना जब तो ही ना, और फिर बहुत मजबूरी, फिर कुर्सी उर्सी से जैसे एडजस्ट करो, और पता फिर जब शिवानी के लाली हुई ना इसलिए फिर ये कह लगे तू तो परेशान हुई, अब शिवानी परेशान हुई कि पहले ही, क्योंकि शिवानी की चार महीने पता चल गया ऑपरेशन हुआ, तो हमारे पहले ही इंग्लिश ले आती मम्मी सुनोई तो कह रही तुम चालू करो मत करो पर लगवानी चाहिए। अभी विक्की के चोट लगी यार ना, विक्की के चोट लगी जब भी, तो हमने ऐसी एडजस्ट करा, कभी सीट भी धरूंगी तो बड़ो बहुत बाथरूम पर मैंने ऊपर करवा दी ना, बढ़िया मजबूरी में ही लग रही है, पर अब तो कॉमन सी हो रही है, सब कही होनी चाहिए, फिर बड़े बूढ़े इन पे बैठ हो जावे, हमारे तो मम्मी पापा हालांकि मना कर दे नुके हम पे ना उन्हें ओड़ू लगे बैठने में, हाँ जरूर होनी चाहिए सच में, इंग्लिश सीट भी बहुत जरूरी है। जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ है ना ये कह लगे बस अब काट ले थोड़ा टाइम जैसे भी कटे, भगवान न करा आगे को कोई अड़ी भीड़ इस चीज की पड़ी तो बिल्कुल इस चीज की तंगी ना होने दूंगा। तो आप पता ही है कायरा पार्थ से 1 साल ही छोटी है, और जब मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा ऑपरेशन हुआ और कायरा पेट पड़ी, तो शिवानी के लिए तो शिवानी तो बार बार कह भाई जीजू ने अच्छी करवा दी, क्योंकि शिवानी ने तो देखा ही है जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ वो ही गई, क्योंकि मेरे ऑपरेशन में भी और पार्थ के चापे में भी, तो शिवानी कह रही दीदी तू कितनी परेशान हुई पर तुमने मुझे परेशानी ना होने दी, मैंने पागल कहे ना किसी ठोक मतलब किसी चोट से ही तो इंसान ने एहसास हो गए कि हाँ यहाँ मैं यूँ होएगा, मैंने तो इन्होंने पहली जब ही मैं कह भाई मैं की बहुत परेशानी हो, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ मेरा जैसे मैं बैठी हूँ मेरा ऐसे बैठने को बहुत ही परहेज हूँ, मतलब ये लगा लो सिर्फ डॉक्टर ने बोला है तो खड़े रहना है या लेटना है, बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, ऐसी कंडीशन थी मेरी उस टाइम पे, 2.5 महीने जैसे मैं बैठी हूँ मैंने ऐसे बैठना नहीं देखा बिल्कुल भी, लेकिन वो चीज़ अब भी सामने ऐसे आ रहा है कि मतलब बहुत बुरे से दिन काटे, बहुत ही बुरे से दिन, मतलब अपनी हालत से बुरे दिन काटे, वो वैसे बुरे दिन नहीं थे हालत से बहुत बुरे, अब वो ये सारी चीज़ें एकदम तो ऐसे होती नहीं है, पर हाँ शिवानी के लिए पहले ही प्रिपेयर हो गए, फिर जब शिवानी कायरा होगी फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ है उसमें फिर ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि फिर तब तक तो वो इंग्लिश वाली सीट लग चुकी है। क्या मम्मी दक्षु पार्थ बेटा इधर आओ, इधर आओ, जैकेट पहन लो दोनों, चाय और है कि नीली वाली पहन लो, दे गरम का नीली वाली पहन लो, ये रहो ये रहो ये रहो, ये तो नानी का ये मामा का, चलो तो भाई मैं विश्व एक वीडियो भी बना दे बालन का असर खत्म हो जाएगा, बस 1-2 दिन जा रहे हैं इनके बाल, दे स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहे हैं, ये हमारी तन्नू मैडम जी की मेहरबानी है, और कल तो आपने देख ही लिए मैंने कितने अच्छे बाल लगाए अपने कर्ल, बिल्कुल कर्ल कर्ल, जिस सूट है रिटायर करने की सोच है ना, जो जितना मन से जाता रहे वो इतना ही अच्छा लगे, जैसे ये वाला सूट अभी से सोचू रिटायर कर दू, अभी मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है, सरोज भाभी की तरह
रविता भाभी रिटायर करेगी, सरोज भाभी वेट करेगी, ऐसी हमारी दीदी हैगी। वाकई यू लगी रह कब प्रीति कहवे कि चीज मुझे अच्छी ना लगती इस चीज में ले लो। पहन ली, इधर आओ, सिर पर कैप रखो, चैन लगाओ। मैं बोलता रही आपको, मैं ठीक करूं। हैंकी कहाँ है? हैंकी बेटा सुबह से थोड़ा कम हो, अब कब बुलाया उन्होंने झाड़े के लिए? कब बुलाया वो? 5 बजे शाम को। हाँ, झाड़ा लगवाने को 5 बजे। मैं नानू को बोल दूंगी, ट्यूशन से नानू लेने आ जाएंगे, दक्षु इधर आ जाएगा बैग लेकर, आप झाड़ा लगवाना है ना। सब्जी वब्जी काट ली, ठंड हो रही है, तू भी जब सुबह से पहने ना, अरे क्या है कि ढोल रहा वो फाड़े कौन पीछे घूम घूम कहीं लग गया है क्या दक्षो का? हाँ, अरे ना आया अब ठंड होएगी ना। अब आज सुबह तो ठंड है, धूप तो कह रही आज, अभी तो लेकर उठी ऊपर, मैंने क्या तो विक्स लगा तो ऊपर लुटाऊ, मैं विशाल लगाया गया मैं आलू बैंगन, आलू बैंगन बना ला, साइड से जो कुछ बना, मैं तो इन पास ना बना लू, फिर ना हुआ सेल पौने रह रहे हैं की रिचार है। एक घोटे में लेना, मैं ले लिया मैं पूरी मैं तो देती। अरे हनी पे है मत बना था दक्षु आ जाओ जी एक बार याद है मेरे आयुषी मेरे पास आई, पहले जब शादी ना हुई तो बहुत ही ज्यादा, अब तो देखो ससुराल से बहुत ही कम हो जाना, और फिर हमारे घर आपने देखे ये बिल्कुल टच में ही है, दीवार का ही फर्क है, तो बात तो वहीं से हो कर ले अगर घर भी ना आते ना। तो पहले जब आयुषी की शादी ना हुई ना तो आयुषी घर पर आई हुई, अब थोड़ा टाइम होगा उसे, तो बड़ी मम्मी ने उसे आवाज लगाई आयुषी, तो एक आदत अच्छी है उसकी, अगर उसे कोई भी बोलता है या कुछ भी हां जी लगा के ही बात करती है, तो आयुषी ने कही हां जी, तो बड़ी मम्मी कहती है आ जाओ जी, मुझे आवाज अभी इतनी हंसी आवे, अगर एक दिन ऐसे हुआ दक्षु या पार्थ कोई खेल रहा है मम्मी की साइड ही, और तो मैंने भी आवाज लगाई तो दक्षु ने बोला हां जी मैं ना आ जाओ जी, मैं आयुषी सभी को, मैं आयुषी मुझे वही बात याद आ जाओ जो पहले ही मम्मी ने जस्ट उससे कही आ जाओ जी घर को। आ जाओ हमारी तो बुआ आई और बुआ भी चली गई, मैंने कहा थी फोन आ रहा लगवाया पापा ये तू मामा के साथ मामा और फिर नानू मिले थे उनके कार किसकी पे उनके जीन जाड़ा वो आपके वो लगते हैं बाबा है? हाँ। क्या कह रहे थे वो अब आराम है या नहीं कुछ हाँ। कह रहे कुछ कह रहे ना कह रहे तेरे बाबा लगते आपके बाबा लगते तेरे क्या आप टट्टी खानी पड़ेगी बार बार के हाँ। खाटल भीतर गए थे टट्टी तू भी खा ली मम्मा बता रास्ते में की लगी लग कह रहे मैंने कही क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो कौन मम्मा विकी आ गया विकी बाहर ही रहने दे लिया 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 आज कहा दो हमको आज क्या है आओ आज भी तो गुरु जी है बृहस्पति आज तो गुरु जी न रहता ये रोज गुरु जी लगे
दिखाई दिखाई इधर कर इधर अब इधर थोड़ा सा कि आप सबने देखा, मैंने आज बोला था आपको कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए, तो बच्चों के स्कूल न जाने का रीज़न ये, दक्ष के तो बहुत ही बुरी खांसी हो रही है, अभी आपने देखा भी, इसके कल स्कूल में भी उल्टी हो गई थी, इसलिए सर ने ही बोला था कि कल आप स्कूल मत आना। और पार्थ रात अच्छा भला सोया था, ये बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे ना इसके कनफेड़ा निकल गया जो निकलता है, तो अब इसको हो गई वो पार्थ को प्रॉब्लम, सुबह बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो अब होता है ना जो होते हैं कुम्हार वो झाड़ा थपकी लगाते हैं, तो वो बाबा पे हम थपकी लगवा के लेके आए, थोड़ा आराम है पार्थ से, पार्थ के पहले से। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो लंकारी घर जाके लंक लगा देते हैं वो ये लंक नहीं लगाते कि हाँ तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अच्छी चीज है घूमने की तो बहुत बना देते कि बहू वहां पे घूम रही है तुम्हारी बहू ने वहां की वीडियो डाल रखी है। अब ये लंक लगाने वालों, मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगी, अब भी तो तुमने देखा बच्चों की हालत है, मैं देखती हूँ तुम ये वाले लंक घर लगा के आते हो या नहीं लगा के आते हो। स्पेशली मैंने व्लॉग ही इसलिए बनाया ये वाला कि मतलब हमारे घूमने के कोई भी चीज तुम्हें लगता है कि ये चुभती है, वो तुम्हारे वो चीज तुम घर तक बोल के आते हो, मैं तुमसे स्पेशली बोलती हूँ तुम ये वाली बात भी घर तक बोल के आना। ज्यादा दिक्कत है, ब्लॉग में यहीं पर खत्म करती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, मुझे बच्चों को खाना देना है। और ये वाली जो मैंने बात बोली है, ये मेरे जो अच्छे बहन भाई है वो माइंड बिल्कुल भी ना करे, कोई है ऐसे एक दो जो व्लॉग देखते हैं और घर पे जाके बोलते हैं, मैंने ये चीज उनके लिए बोली है, बाकी जो मुझे प्यार देते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल से ही दक्ष की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है खांसी की वजह से, तो आप भी बच्चों का ध्यान रखिए। अरे कनफेड़ा वाली तो चली रही है, इसे वैसे नॉर्मली ना ले, इसका जरूर ट्रीटमेंट कराए, पहले की बातें अलग थी और अब में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। बाय बाय।